उन्हें मारा कि नहीं मारा? मारा है। क्यों मारा? कौन सा गांव है? घाट में। तो तेरे पहले भी बच्चे हैं? हाँ सर। कैक बच्चे हैं तेरे? पांच। तो इसके आदमी ना के संपर्क में कब आया और कैसे आया? ढाई तीन साल हो गए। कैसे आया? बस जीओ से आ गया। कैसे आ गया? कोई फोन हुआ आपने? हाँ, फोन से हुआ। अच्छा। हाँ सर। तो फिर रहता हूँ, ढाई तीन साल से रहता हूँ। तो इसी के साथ रहते हो? हाँ सर। तो बच्चे आपने किस टाइम काटा था, कैसे काटा था? वो काटा था कम करीबन 9:30 बजे। अच्छा। हाँ जी। फिर उसको हम लेके गया था, 1:30 बजे से हम वापसी पहुँच गए थे घर। तो किस चीज़ में लेके गए? वैन थी एक। तो अपने सेंटर में लेके गया? ना। तो दूसरे की भी लेके गया? हाँ सर। क्या किराए पे ली थी या कैसे थी? नहीं, मैं वो चलाता हूँ। अच्छा, उसको चलाते हो? हाँ जी। ये थी पति के हत्यारिन अश्मिना और उसका आशिक आसमन, जो खुद बता रहे थे कि उन्होंने कल्लू को कैसे मारा। आपको बता दें, दो दिन पहले मेवात जिला की उजिना ड्रेन पर मिले अज्ञात शव की गुत्थी मेवात पुलिस ने सुलझा ली है। मृतक की हत्यारे खुद की ही पत्नी निकली, जिसने अपने आशिक के साथ मिलकर उसके गला रेत कर हत्या की थी और शव को ठिकाने लगाने के लिए करीब 10 किलोमीटर दूर रात के समय नहर में फेंक दिया था। फिलहाल पुलिस ने मृतक कल्लू खान की पत्नी अश्मिना और उसके आशिक आस मोहम्मद को गिरफ्तार कर अदालत से रिमांड लेने की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा के गांव जंगावली निवासी कल्लू करीब 6-7 साल पहले अपने बच्चों के साथ पुनहाना में रह रहा था। कल्लू के करीब 22 साल पहले होडल के गांव उमरियान का नंगला निवासी अश्मिना के साथ शादी हुई थी। दोनों से 5 बच्चे पैदा हुए, जिनमें सबसे बड़ी लड़की की अभी शादी हो चुकी है। कैसे पता चला आप लोग? सिनेमा से आ रहा था और यहाँ पर भीड़ हुई, इकट्ठी जमा हुई पड़ी थी, तो मैंने यहाँ आके देखा तो उस मेहरबानी ने अपना सामान पूरा पैक कर रखा था और उसके भाई ने रोक यहाँ पर ऑटो खड़ा था। हाँ। और ऑटो में सामान भर रहे, उसका भाई भी, वो भी नहीं, उसका भाई ने फिर वो भगा दिया। हाँ। तो वो जाने के लिए तैयार थी, भागने के लिए यहाँ से निकल रही थी, तभी उसका भाई आ गया 10-15 मिनट बाद, तब उसने रोका। तो फिर कैसे पता चला पुलिस को? सूचना किसने दी, कैसे हुआ? सूचना उसके मामा या भांजे चाचे सब आ गए। कहाँ का रहने वाला था और कैसे रहता था यहाँ पर? जो है क्या काम करता था? काम तो कुछ नहीं करता था। अच्छा, काम कुछ नहीं करता था तो यहाँ पर क्या? कितने बच्चे हैं उसके मरने वाले के नाम? 4-5 बच्चे। मरने वाले का नाम क्या है? आपको बता दें, करीब 3 साल पहले अचानक अश्मिना के फोन पर राजस्थान के गांव घाटमी का निवासी आसमंद का फोन आ गया और यह फोन दोनों की दोस्ती में बदल गया। उसके बाद आसमंद का अश्मिना के घर आना जाना हो गया। आसमंद अश्मिना के इश्क में इतना पागल हो गया कि उसने अपने 5 बच्चे और पत्नी के पास आना जाना ही छोड़ दिया। अश्मिना का पति कल्लू आसमंद के घर पर आने जाने से खुश नहीं था, जिसकी वजह से कल्लू और अश्मिना की अक्सर आपस में खटपट होती रहती थी। आखिरकार कल्लू को रास्ते से हटाने के लिए 18 अक्टूबर को अश्मिना ने अपने आशिक आस मोहम्मद के साथ मिलकर एक दिल दहलाने वाली योजना बना डाली। रात के करीब 11 बजे दोनों ने कल्लू की तेज धार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाने के लिए रात के अंधेरे में एक वैन कार में भरकर 10 किलोमीटर दूर उजिना ड्रेन में फेंकाए। दूसरे दिन नहर के आसपास गुजरने वाले लोगों ने कल्लू का शव देखा तो इलाके में सनसनी फैल गई। मीडिया और सोशल मीडिया द्वारा शव के दिखाए जाने से मृतक कल्लू के परिवार वालों ने उसे पहचान लिया। जब आरोपी अश्मिना को पता चला कि कल्लू की पहचान हो गई है तो उसने अब भागने के फिराक में अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिया और जैसे ही लोगों को पता चला तो लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस ने आरोपी अश्मिना को अपने हिरासत में ले लिया। हिरासत में आने के बाद ही अश्मिना ने सारे राज खोल दिए। पुलिस की हिरासत में
आरोपी अश्विना है, लेकिन माँ बाप का साया छिन जाने के बाद कल्लू के चार मासूम बच्चों का रखवाला तो अब ऊपर वाला ही है। मेवात से यूनुस अलवी की रिपोर्ट। हुआ है और पुलिस कहां तक पहुंची है, क्या आरोपियों को पकड़ लिया गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अरे ये नई और हथनगांव पुल के बीच में पुल है उजीना ट्रेन का, इस पर हमने 19 तारीख को सुबह एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी, उस संबंध में हमने उसी टाइम हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया था और आज सुबह उस अज्ञात नाश की शनाख्त हो चुकी है। वो है, उसका नाम कल्लू सनो करकल्ली, निवासी जंघावली है। दूसरा, जो लोग इसकी कत्ल करने में शामिल थे उन लोगों के हम पहुंच गए वहां तक और उनको गिरफ्तार कर लिया है। उनके कौन कौन शामिल है इसमें, इसकी हत्या में कौन कौन शामिल है? सुना है, बताया जा रहा है इसकी पत्नी भी है, इसका कोई जो है और भी है? हाँ, इसकी जो हत्या की मुख्य आरोपी है इसकी खुद की पत्नी है, अश्मीना उर्फ आसो, ये इसकी पत्नी है और उस पत्नी के साथ उसका एक दोस्त है आस मोहम्मद है, निवासी घाटमी का। ये दो आदमियों का हाथ है, इन दो आदमियों ने इसकी हत्या की। तो आखिर कहां पर किए, हत्या क्यों किए, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि आशु के भी 5 बच्चे बताए जा रहे हैं और इसके भी 5 बच्चे बताए जा रहे हैं। अच्छा, इसके बारे में ये है कि ये जो बताया है मेरे को पूछताछ पर अश्मीना ने, ये करीब 7 साल से पुनहाना कस्बे में रह रही थी किराएदार और करीब 2 साल से आशु से और इसके आपस में संबंध बन चुके थे। तो उसी दौरान जो इसका पति था कालू, जो मृतक है इसमें, वो इसको राजी नहीं था, इसलिए कालू को अपने साइड से इसमें बीच में से हटाने के लिए ऐसा किया गया था, उन्होंने मिलकर ये इसकी हत्या की। तो अब तक जो आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, आगे क्या कार्रवाई है, कितने दिन के लिए रिमांड मांगेंगे और कब पेश करेंगे? अच्छा, इसमें यह आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी के सबूत भी आ चुके हैं हमारे पास, हमने उनको गिरफ्तार कर लिया है। बाकी बरामदगी के लिए हम इनसे पुलिस रिमांड मांगेंगे, जो मौके पर इन लोगों ने जिस छुरी से इसकी हत्या की है उसको कहीं छुपा के रखा है या और भी जो रिलेटिव एविडेंस है उसके लिए हम इनका प्रशिक्षण माननीय न्यायालय से हासिल करेंगे। तो ये आखिर घर में हत्या की गई है और इतने दूर जो लेके गए हैं वो किस तरीके से लेके गए हैं, किस चीज में लेके गए हैं? ये तो रिमांड इसीलिए मांग रहे हैं ना, इन लोगों का रिमांड ही इसलिए मांगा जा रहा है और जो हम गहराई से हर चीज की इसमें गहराई से जाँच कर सकें। थैंक यू।